हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। वेलकम बैक टू प्रीति की दुनिया। अभी है डे टाइम, मॉर्निंग से ना आज मैं ब्रेकफास्ट करा, थोड़ा बहुत काम किया और मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। बट अभी उठ रही हूँ तो देख रही हूँ बहुत लेट हो गया है और मुझे लंच प्रिपेयर करना है और फिर मुझे प्रीशा को स्कूल लेने भी जाना है। और आज मम्मी पापा गए थे अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल, उनका कॉल आया कि हम जल्दी आ रहे हैं, तुम खाना प्रिपेयर करके रखना। तो ये मैंने दाल मॉर्निंग में उबाल रखी थी। ये दाल आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रही होगी बिकॉज़ ये हमारे उत्तराखंड से आई है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक इंस्टेंट रेसिपी, जो आपका 10 मिनट में आपका लंच रेडी हो जाता है, 10 से 15 मिनट में। तो मेरे को 10 से 15 मिनट ही मेरे पास है, उसके बाद मुझे प्रीशा को लेने जाना है स्कूल बिकॉज उसका टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडर लिया है, मिक्सी, और उस पर मैंने टमाटर डाल दी हैं, 2 टमाटर, 2 से 3 लहसुन की कली, अदरक और हरी मिर्च, इन सबको एक साथ से मिक्सी पर पीस लेना है अच्छे से। इनको एक साथ पीसने से आपका टाइम बच जाएगा। आज मैं प्याज का इस्तेमाल तड़के में नहीं करूँगी, आप चाहे तो इसके साथ प्याज भी पीस सकते हैं। इससे क्या हो जाता है कि आपको अलग अलग सारी चीज़ों में अपना दो दो मिनट नहीं देना पड़ता है और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और बहुत टेस्टी ये दाल बनती है, बिलीव मी गाइज। तो इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ा सा तेज पत्ता एंड दालचीनी की लकड़ी, और अगर आपके पास और भी कुछ खड़े मसाले हैं तो वो भी एड ऑन कर सकते हैं अगर आपको रेस्टोरेंट वाला स्टाइल चाहिए। देन गरम गरम तेल में आपने इसको डाल देना है जो हमने पेस्ट बनाया है सारी चीज़ों का, और अच्छे से इसे पकने के लिए छोड़ देना है। 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से आपकी ग्रेवी तैयार हो जाती है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए, मसाला डालिए, यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सा कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही इसमें राजमा मसाला या छोला मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। और ये जो दाल है ना, ये गाँव की दाल है, इसमें वाइट राजमा आपने सुनी है, गहत की दाल भी है और बहुत सारी दालें आपस में मिक्सड करके हैं बनी हुई। एंड जो वाइट जो राजमा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अब हमने इसको मसाले में डाल दिया है, जो दाल का पानी था उसे तरी बनाने के लिए थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लिया है। जब तक ये पकता है तब तक मैंने चावल भी पकाने के लिए रख दिए और फटाफट से 10 मिनट में दाल भी रेडी हो जाएगी, चावल भी हमारे रेडी हो जाते और दाल पक के रेडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ धनिया पत्ती, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाता है उसमें। और उसके बाद मैं बनाऊँगी थोड़ा सा सैलड एंड सारी चीज़ें बिकॉज मम्मी पापा और भी आने वाले हैं हॉस्पिटल से, और उसके बाद मुझे प्रीशु को लेने भी जाना है स्कूल। और अभी मैं खीरा काट रही हूँ, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रख दूँगी, फिर सीधा प्रीशु आके खाना खाती है एंड देन फिर हम फ्री हो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल जाता है। खीरा काटा है, उसके साथ मूली काटा है और हम इन सारी चीज़ों को मैं अब प्लेट में रखूँगी ताकि जिसको जो खाना है वो खा सकता है अपने हिसाब से। और सैलेड में भी डिफरेंट चीज़ें होती रहती, कभी टमाटर कभी कुछ। तो सैलेड रेडी है और अभी मेरे पास पड़ी होती है एक थैली छाछ की, बिकॉज दही अभी मेरे पास नहीं है, मतलब सुबह जमाई अभी जम नहीं रखी है, तो एक थैली छाछ की थी उसे मैं तड़का छाछ में कन्वर्ट करूँगी। थोड़ा सा मैंने खीरा ग्रेट करा है और खीरे को डालूँगी उसमें ग्रेट करके, बिकॉज प्रीशा को ना छाछ का रायता बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद है, और उसमें मैंने छाछ का ही बना दिया है। जो भी चीज़ अवेलेबल होती है घर पे उसी का कुछ ना कुछ कर लो यार जुगाड़, मतलब ऐसा। इसमें मैं पूछ रही हूँ डाल रही हूँ घर का पीसा हुआ नमक, मम्मी ने पीसा हुआ है, इसमें लहसुन अदरक एंड धनिया वगैरह सारी चीज़ों का फ्लेवर एक साथ आ जाता है। और अब हम तड़का मारेंगे अपने जो छाछ है उसमें, और तड़का छाछ का काम भी हो जाएगा, रायते का काम भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और जीरे को चटकने देंगे हम, और चटकने के बाद हम डाल देंगे इसको छाछ में, और छाछ के साथ ऊपर से में डाल देंगे हम धनिया पत्ती, थोड़ा सा लिक्विड ही होता है बट बहुत टेस्टी होता है खाने में पीने में और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एंड सारा हमारा जो खाना है वो रेडी है। मम्मी पापा हॉस्पिटल से आ चुके थे तो सबसे पहले मैंने सोचा उनके लिए खाना रख देती हूँ, जब तक वो खाना खाएंगे तब तक मैं प्रीशु को लेने चली जाऊँगी स्कूल बिकॉज उसकी छुट्टी होती है डे टाइम में। और ये है हमारी आज की लंच थाली, जो कि 10 से 15 मिनट में इंस्टेंट रेडी हो जाती है। जब तक दाल बनती है तब तक आप चावल भी चढ़ा दीजिए, और फटाफट जब तक आपके चावल और दाल पक रहे तब तक आप अपना सैलेड और अपना ये रायता इस तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं प्रीशु को लेने के लिए रेडी हो रही हूँ, लेने जाने के लिए मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। अभी है घर आ चुके हैं हम, मैं प्रीशा और मम्मी पापा, और उन्होंने खाना खा लिया है, अभी मैं खा रही हूँ और प्रीशु भी खाएगी। दाल का कलर बहुत सुंदर आएगा, इस बहुत टेस्टी है, इस तरीके से कभी आप दाल ज़रूर बनाना। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।